हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया, आप सभी को स्वागत करती हूं। आज की हमारे विषय है राजनीति की शाब परीक्षा। राजनीति को हम प्राचीन काल, मध्य काल एवं वर्तमान काल से विभाजित करेंगे। राजनीति का अर्थ है, प्राचीन काल से यही माना जाता है कि राजा का जो नीति होता है, राजा का जो नियम होता है, यही है राजनीति। अर्थात राजा जो अपनी प्रजाओं को, अपने प्रजाओं के सुख दुख में निस्वार्थ से प्रजा का प्रतिपालन करे, यही है राजनीति। उसका नियम प्राचीन काल में आए तो कुछ नियम बना, जिसके स्वरूप हम बंधे हुए हैं। राजनीति का कुछ नियम होता है, उस नियम पे कुछ नेताओं ने कुछ उल्लंघन किया है। नियम दिखाकर जो लोग हैं, जो प्रजा है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा कर रखा है। जैसे कि हम प्राचीन काल से राजनीति का अर्थ से ही हम भयभीत हो जाते हैं, उसे समझते हैं, हिंसा क्रोध प्रतिपालन समझते हैं, परंतु ये नहीं है। वर्तमान के राजनीति कुछ इस प्रकार चल रहा है कि हम लाशों के ढेर पर हमने महल बनाते देखा है कि लाशों के ढेर पर हमने महल बनाते देखा है मतलब के लिए मजदूरों को सताते हुए देखा है। देशहित का ख्याल ही नहीं है जिन पर उन्हें हम शहीदों की लाशों पर फूल चढ़ाते देखा है। इस प्रकार चल रहा है हमारे राजनीति। इसका कारण है ज्ञान का बहुत कमी है हमारे समाज में। जो राजनीति में जाता है उनके लिए विशेष प्रकार से, क्योंकि हमारे भारत में सबसे अधिकतर जनवासियों का ये देश है, तो यहाँ पर हमारे जो छात्र छात्र होते हैं या छात्र छात्रियां होते हैं, उन्हें थोड़े अच्छे होने से वो शास्त्र विभाग या यंत्र विशेषज्ञता, जिसे हम डॉक्टर या इंजीनियर कहते हैं, उन्हीं पर पढ़ने में उत्सुक हुए दिखाई देते हैं, परंतु राजनीति पर कोई उत्सुक नहीं दिखाई देता है। इसलिए राजनीति का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, और हम जो आंखों से देखते हैं या सुनते हैं वही पर विश्वास कर लेते हैं, जिसका महत्व भाग जाता है पत्र पत्रकारों में। पत्रकारों ने जो हमें दिखाते हैं या जो सुनाते हैं वही हम विश्वास कर लेते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। ये जो पर्दा के पीछे हम नहीं देखते हैं वही असल राजनीति होता है, जो खून खराबा में डूबे हुए रहते हैं। अपने सत्ता हासिल करने के लिए किसी का भी रक्त बहाने में वो दीदार नहीं करते हैं। जिस प्रकार हम एक उदाहरण स्वरूप बोलते हैं कि जब 25 जून को 1997 पर जो हमारा आपातकाल लगाया गया था, वही आपातकाल का विषय ही देख लेना, 21 महीना तक आपातकाल लगाया हुआ रहा, परंतु इस 21 महीने पर कितने लोगों का रक्त बहा, कितने लोग स्वाधीनता से छीने गए। अगर आपके पास स्वाधीनता नहीं रहेगा तो आप कैसे जी पाएंगे। इसी प्रकार 21 महीना उन लोगों के ऊपर आपातकाल से अपना पूरा स्वाधीनता छीना गया, किस प्रकार उन्होंने जिया उसे कोई राजनेता उन्हें नहीं देखा। अपना सत्ता हासिल करने के लिए आपातकाल लगाया गया। इसी प्रकार हमारे समाज में अभी तक यही चला आ रहा है। मैं अपने देशवासियों से कहूंगी कि ये रोक दिया जाए, और हमारा जो युवक युवती है वह ठीक से सोचे, आंख से देखे और बोले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये देख कर विचार करे। मैं जाते जाते अपने देशवासियों को यही कहूंगी कि जिनमें देश को संभाला नहीं जाए उन्हें संसद से निकाला दिया जाए, जिन्हें देश संभाला नहीं जाए उसे संसद से निकाला दिया जाए। वर मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगी कि देश जिन्हें अपने आस्तीनों पर सांप ना पाला जाए। धन्यवाद।